कैसे हो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका पशु परिसर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। हम वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और पीछे एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज का हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है कौन सी है फ्रेंड्स। चार चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पूर्ण हस्त दोहन विधि, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप भी साथ साथ में कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताना। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु कौन सा है, भैंस, गाय, भेड़, बकरी। तो राइट कौन सा रहेगा इसमें, चार नंबर ऑप्शन बकरी, चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स, गाय, भैंस, बकरी, ऊंटनी। तो किसके होगा फ्रेंड्स, दो नंबर ऑप्शन राइट होगा, बी, भैंस। ठीक है, दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट, विश्व के पशुधन में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है, वो आपको बताना है। तो कितने प्रतिशत फ्रेंड्स, 18, 12, 25 या फिर 20। तो कितने प्रतिशत है, 25% है, तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध, अंडा, ऊन, मछली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या रहेगा, ऊन, तीन नंबर ऑप्शन अपने इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पांच के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं फ्रेंड्स, ये आपको बताना है, गधा, गाय, खरगोश या फिर बंदर। तो राइट क्या रहेगा, गाय की। ठीक है, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छह के अंदर। भारतीय कृषि में पशु का योगदान कितने प्रतिशत है, भारतीय कृषि में पशु का योगदान पूछा है दोस्तों, 70, 50, 33 या फिर 30%। कितना योगदान है वो आपको बताना है, तो कितना है फ्रेंड्स, 30%, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आठ नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इज्जतनगर, बीकानेर, नई दिल्ली या फिर करनाल में। तो कहाँ होगा फ्रेंड्स, करनाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर के मांस को पोर्क कहते हैं फ्रेंड्स, किस जानवर के मांस को पोर्क कहते हैं, गधा, सुअर, खरगोश या फिर बंदर। तो राइट क्या रहेगा, बंदर। ठीक है, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की गर्भावधि होती है कितनी होती है फ्रेंड्स, पीछे भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये पीछे रिपीट हुआ है तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो क्या रहेगा, 285 दिन, चार नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपना, 10 के अंदर। नेक्स्ट, ICMR के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा कितनी है, ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना रहेगा, 300 ग्राम, चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11 के अंदर। सांड के वीर्य का पीएच मान होता है कितना होता है वो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना होता है फ्रेंड्स, 6.5% होता है, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, वीर्य किस में संग्रहित किया जाता है, किसमें संग्रहित किया जाता है फ्रेंड्स, तरल नाइट्रोजन, जल, फास्फोरस या फिर सोडियम में। तो किस में फ्रेंड्स, तरल नाइट्रोजन में, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले किसने किया था, भारत की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो किसने किया था जल्दी से कमेंट करें। तो क्या राइट रहेगा, डॉक्टर संपत कुमार, तीन नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स पीछे के एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये हिसार में, करनाल में, गंटूर में या फिर सूरतगढ़ में। तो राइट क्या रहेगा, सूरतगढ़ में, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बद्या नर भेड़ को कहा जाता है वेडर, केपन, टीजर या फिर स्टेज, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, वेडर, ध्यान रखना आपको, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन, बकरी के घर को क्या कहते हैं, काइड, पेन, दोनों ही या फिर कोई नहीं। क्या कहते हैं फ्रेंड, बकरी के घर को क्या कहते हैं, पैन कहते हैं। ठीक है, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा पशु मल उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है, निम्न में से कौन सा पशु मल उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा फ्रेंड्स, मत्स्य चूर्ण, अस्थि चूर्ण, मटर मिल्क या फिर दूध। वेरी इंपॉर्टेंट, तो राइट रहेगा, मत्स्य चूर्ण। ठीक है, ध्यान रखना आपको, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य एवं जानवरों का अनुपात कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मनुष्य एवं जानवरों का, बात शुष्क क्षेत्रों की हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना है, ये इस टाइप के दो क्वेश्चन है। तो किसकी होगी फ्रेंड्स, मनुष्य एवं जानवरों का अनुपात कितना होगा फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करिए। तो रहेगा 2:3 अपना, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, काविंग, लैम्बिंग, फ्रोइंग या फिर कीडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, लैम्बिंग, ध्यान रखना आपको, दो नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 20 के अंदर। 21,
चेवन मास कहलाता है। चेवन मास कहलाता है किसका? गाय, ऊंट, बकरी या फिर भेड़। तो किसका है फ्रेंड्स? ऊंट का। दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रजनन के उपयोग में नर अश्व को क्या कहते हैं? प्रजनन के उपयोग में नर अश्व को क्या कहते हैं? स्टेलियन, मेयर, फिली या फिर कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या कहते हैं उसे? स्टेलियन। ध्यान रखना आपको, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23, मीठी साइलेज में किस अमल की मात्रा अधिक होती है? मीठी साइलेज, लैक्टिक अमल की, एसिटिल अमल की, एस्कॉर्बिक अमल या फिर टार्ट्रिक अमल। वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या रहेगा? लैक्टिक अमल की। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन 23 में अपना एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। 24, बिनोले में टॉक्सिन होता है, बिनोले में टॉक्सिन होता है, कौन सा टॉक्सिन होता है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? गोसिपोल। एक नंबर ऑप्शन, एक नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरे चारे में होती है सुपाच्यता, विरेचकता, स्वादिष्टता या फिर सभी। हरे चारे में क्या होती है फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करें आप फ्रेंड्स। राइट हो जाएगा, तीनों चीज़ होती है फ्रेंड्स हरे चारे में। तो अपना चार नंबर ऑप्शन, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 25 के अंदर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आप करें कमेंट करके फ्रेंड्स से ज़रूर बताना। और आपके टॉपिक के अनुसार फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आप थ्योरी पढ़ते हो, फिर बाद में एक क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। और महीने के लगभग 900 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स आपके। फ्रेंड्स आपको अगर किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं फ्रेंड्स से, ये आपकी पूरी क्लास रहेगी। और फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जाके आप पशु परिचर के जितने भी मॉडल पेपर है सारे के सारे एक साथ स्टडी कर सकते हो फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारी वीडियो वहीं पे मौजूद, आपके राजस्थान जीके की, जनरल साइंस की और आपके पशु परिचर पार्ट बी के सारे वीडियो वहाँ पे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो जिसे आप लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स, जिससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्लास आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए फ्रेंड्स कमेंट करके आप जरूर बताना। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे बढ़िया क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।